हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर में। दोस्तों अभी जो है हम नया रामनगर आए हैं और यहाँ त्रिभुवन यादव जी के घर से कॉल आई है, तो उन लोग बता रहे हैं यहाँ खपड़ा का कुछ ढेर रखा हुआ है, उसमें एक बड़ा सांप आके छिप गया है, तो चलकर रेस्क्यू करते हैं। बने रहिए वीडियो में। ये दीदी के मोबाइल से चालू करनी फोन बोला बना जे दीदी वीडियो क्यों को यहां पर देख सकते हैं। हल्ला मत कीजिए, हल्ला ख्याल मत कीजिए आप लोग। यहाँ जो है कपड़े के नीचे सही में एक बड़ा सांप है, ये दोस्तों रेड स्नेक है और ये छिप के बैठा हुआ है, इसे हम लोग सावधानी से निकालते हैं। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर सांप है, चलिए इसे हमें निकालना है। तो देख सकते हैं हमने इसे पकड़ लिया है और ये मीडियम साइज का रेड स्नेक है दोस्तों। तो देख सकते हैं छोटा साइज है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये सांप वैसे नॉर्मली तकरीबन 8 फीट से 11 फीट तक हाइएस्ट इसकी लंबाई होती है और ये भागने में बहुत तेज होता है। ये जो है बहुत तेज भागता है दोस्तों और ये खेतों के आसपास रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ इसे चूहे बड़ी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि चूहों का शिकार ये बहुत ज्यादा करता है और एक दिन में तकरीबन 4 से 5 चूहे तक खा सकता है। यूँ तो दोस्तों भूखे रहने पर यह मेढक को भी खा लेता है। अभी इसका एक जगह यहाँ से पेट फूला हुआ है, हमें लगता है इसने कुछ शिकार किया है अभी। तो दोस्तों इस सांप के बारे में बताते चले, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है और चिढ़ जाने पर या इसे खतरा लगने पर अपनी पूंछ से भी मारता है झटक के और आपके फेस पर हमला करता है, जिससे कि यह थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, डेंजरस हो जाता है, क्योंकि चेहरे पर आंखों के आसपास यदि हमला होता है तो वो थोड़ा कष्टदायक होता है और आंखों में समस्या हो सकती है उससे। तो देख सकते हैं यह बिना जहर वाला सांप है, इसे अगर अच्छे से हैंडल किया जाए तो थोड़ी देर में यह बिल्कुल शांत हो जाता है। अभी क्या है, हम लोग इसे जेंटली पकड़े हुए हैं, इसे कोई खतरा नहीं लग रहा है हमसे, इसलिए हमें यह हमला नहीं कर रहा है। लेकिन अगर नॉर्मली लोग इसे पकड़ने जाते हैं बिना इसके बारे में जानकारी लिए हुए और पूंछ से पकड़ते हैं या किसी बुरी तरीके से पकड़ते हैं अगर, जो इसे पसंद नहीं होता है, तो ये फिर हमला कर देता है उन पर। तो बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सांप है दोस्तों। तो हम इन घर वालों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमें कॉल किया और सांप को देखकर मारने के बजाय जो है इन लोगों ने इसे बचाना जरूरी समझा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों आगे आप भी इसी तरह सांपों को बचाते रहिए, क्योंकि सांपों का पर्यावरण में बचे रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे हम लोग रेस्क्यू कर लेते हैं। लाइन बैग बाहर मत दिखाइए, सबके बाहर भी देखेंगे, भागना नहीं है। तो देख सकते हैं यह जो अपनी जीभ बार बार बाहर निकालता है, इससे यह आसपास के माहौल का अंदाजा लेता है, क्योंकि दोस्तों सांपों को कान नहीं होता है, सांप बहरे होते हैं, सांपों को सुनाई नहीं देता है, इस वजह से यह जो है अपनी जीभ बाहर निकालता है, हवा में जो पार्टिकल होते हैं उसे कलेक्ट करके जो है फिर उसके अनुसार आसपास के माहौल का जायजा लगाता है। अगर इसके आसपास खतरा लगता है तो वो भी इसे पता चल जाता है, या फिर इसके आसपास कोई शिकार भी होता है तो भी इसे पता चल जाता है। तो देख सकते हैं ये कुदरत द्वारा इनकी बनावट है। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग अब रेस्क्यू कर लेते हैं। लाइएगा बैगा, खोलिए खोलिए, फैलाइए। तो उम्मीद है साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। चलो भाग।